हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू बैंगन टमाटर, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इसे पूरी, चावल और रोटी जैसे भी खाना चाहें वैसे खा सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आलू बैंगन के टमाटर की सब्ज़ी बनाना। इसके लिए मैंने छोटे भटे ले लिए हैं, छोटे बैंगन मीडियम साइज़ के, और 5-6 टमाटर लिए हैं, 4-5 आलू लिए हैं। आलू में छिलके सहित काटूंगी, तो इन सब्जियों को मैं काट कर रख लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर टमाटर काट लिए हैं और मीडियम साइज़ काटा है, आप जैसा अपने हिसाब से काट सकते हैं। यहाँ आलू छिलके बिना उतारे ही काटे हैं मैंने, और 3-4 हरी मिर्च काटी है, और बैंगन को भी मीडियम पीस में काट लिया है। सब्ज़ी बनाने के लिए हमें चाहिए, यहाँ मैंने लिया है ज़ीरा 1/2 चम्मच, सरसों 1/2 चम्मच जिसे राई बोलते हैं, और कुछ मसाले लिए हैं जैसे लाल मिर्च 1/2 चम्मच, 1 चम्मच जीरा धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच नमक। नमक अपने टेस्ट के अनुसार ले लें और मिर्च भी अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें आप। तो ये सब्ज़ियाँ मैंने काट कर रेडी कर लिए हैं, ये देखिए। और बैंगन को पानी में काटा है ताकि बैंगन का कलर काला ना पड़े, और ये सारे मसाले। तो चलिए आप बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने गैस पर कढ़ाई रखी है और गैस चालू किया है। कढ़ाई गर्म होते ही मैं इसमें ऑयल डालूँगी। यहाँ पर मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ऑयल गरम होते ही मैं इसमें ज़ीरा और राई ऐड करूँगी। ज़ीरा राई तड़क जाने के बाद, ज़ीरा राई अच्छी तरह तड़क जाएंगे, उसके बाद मैं इसे इसमें हरी मिर्च ऐड करूँगी। ज़ीरा राई अच्छी तरह हो चुके हैं, मैं इसमें हरी मिर्च ऐड कर देती हूँ। हरी मिर्च को अच्छी तरह तलने देना है। तो हरी मिर्च हमारी अच्छी तरह हो चुकी है, बाकी मसाले मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और थोड़ा सा उसी प्लेट में पानी लेकर थोड़ा पानी और ऐड कर दूंगी ताकि मसाले हमारे जले ना। तो हमारे मसाले अच्छी तरह भून चुके हैं, इसे थोड़ा चला देंगे ताकि नीचे जले ना। अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी, आलू में अच्छी तरह मसाला कोट कर दूंगी, अच्छी तरह मिलाकर। फिर इसमें मैं बैंगन डालूंगी, बैंगन को पानी बैंगन का पानी अच्छी तरह नितार कर हमें इसमें डालना है। यहाँ मैंने सारे बैंगन को अच्छी तरह, पहले ही मैंने बैंगन एक बार धो लिए थे, फिर दूसरे पानी में लेकर फिर इन्हें काटा था, तो आप भी ऐसे ही करें। इन सबको मिक्स कर दें अच्छी तरह। और मीडियम हीट पर इसे 5 मिनट के लिए ढककर रख दें। 5 मिनट के बाद हम लोग आकर चेक करेंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करते हैं। हमारे आलू और बैंगन थोड़े पक चुके हैं, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर कर 5 मिनट के लिए ढककर और रख देंगे। मीडियम हीट पर ही पकने देना है। अब हमारे 5 मिनट भी हो चुके हैं और टमाटर ने अच्छी तरह पानी छोड़ दिया है, और आलू भी अच्छी तरह गल गए हैं। अभी थोड़ा सा 5 मिनट और रखेंगे जिससे सब्ज़ी अच्छी तरह घुल जाए। 5 मिनट और हो चुके हैं, सब्ज़ी पकने ही वाली है, थोड़ी देर और पकाएंगे हम इसे।
या ढक देंगे। देखते हैं, हमारी सब्ज़ी लगभग हो चुकी है तो थोड़ी देर बस और पका लेंगे, 2-3 मिनट। अब हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी है। इसे आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। इसमें मैं हरा धनिया भी ऐड कर दूंगी ताकि हमारी सब्ज़ी में खुशबू बहुत अच्छी आए। और आप इसे चावल, रोटी, पूरी या कैसे भी सर्व कर सकते हैं। इस स्टेज पर आकर आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पतली सब्ज़ी खानी हो तो। लीजिए, आलू टमाटर और बैंगन की सब्ज़ी बनकर रेडी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।